नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बाल मनोविज्ञान की सीरीज हम लोग की चालू है, और जो लोग जिन लोगों की अभी तैयारियाँ स्टार्ट जिन लोगों ने अभी तैयारियाँ स्टार्ट नहीं करी, तो उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया अपनी तैयारियाँ अच्छे से चालू कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अगर आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से चालू कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग दोस्तों इसीलिए किया जाता है ताकि वो अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो ई वॉटसन इसके प्रतिपादक हैं, उन्होंने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो किस में किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है अचेतन मन का अध्ययन। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक मूल्यांकन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ है तो मानवीय आत्मा या मन। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी गाइस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अगला है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार की भी सम्मिलित है, यह कथन है। तो CW वैलेंटाइन का कथन है दोस्तों। जितने भी कथन मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से तैयार करते रहिए, अगर आप उनको नहीं तैयार करते तो आप स्वयं पछताएंगे, ये बात मेरी ध्यान दे दीजिए। अगर TET 2019 क्लियर करना है तो इसके लिए 100% आपको जितने कथन मैं बता रहा हूँ ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये मन का विज्ञान है और आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, वातावरण है। ठीक है, तो मानव मन को क्या क्या प्रभावित करता है? व्यक्ति की रुचियाँ प्रभावित करती हैं, और अभियोग्यताएँ प्रभावित करती हैं, वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवन का कथन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, यानी मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान जो होता है वो मन है, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पहले मन की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है ये सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी, तो यानी ये आप समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये सर्वव्यापी है तथा सार्वभौमिक भी है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, तो मानव के अंतर्गत मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी मनोविज्ञान का मतलब हुआ मन का विज्ञान, तो इसमें मानव के अंतर्गत क्या होता है? मानव के अंतर्गत ही मन होता है और उसके मन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं, तो क्या उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को व्यक्त करता है या स्पष्ट करता है। इस तरह के दोस्तों प्रश्न TET 2018 में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और इसकी वजह से बाल विकास काफ़ी कठिन हो गया था TET 2018 में। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात में तो आप TET 2018 का प्रश्न पेपर निकाल लीजिए और देख लीजिए, किस इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन थे कि बहुत लोग इसमें समझ लीजिए TET 2018 में बाल विकास के अंतर्गत मुश्किल से 15 से 16 नंबर पाए थे। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रत्यक्ष
आवश्यकता नहीं है। तो शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्कृतियों में मानवीय व्यवहार से है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के क्या क्या अंग होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, ये सारे जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, इस तरह मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आगे बताता हूँ आपको, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों योग्यताओं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। आपसे इस तरह का ये पूरा आपका कथन पूछ दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्न में से उद्देश्य है, तो आपको आंसर देना होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण एवं वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार, ये शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्यों में से आता है। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन क्या है? कथन प्रॉबल का कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस तरह से मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, और मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि TET 2019 अगर आप मेरे साथ लग जाते हैं पढ़ने में मन से, पूरा वीडियो मेरा देखते हैं, तो गारंटी के साथ TET 2019 क्लियर कराने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मैंने खुद TET में 125 नंबर 150 में लाया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्वयं के अध्ययन से ये सारे नंबर लाए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला हो, आप बस जो बताता चलता हूँ उसको फॉलो करते जाइए, गारंटेड आप 125 नंबर आपके लिए कठिन नहीं होंगे, ये मेरी बात मानिए। मैं 68,500 में सेलेक्टेड हूँ, मेरी रैंक अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर में आई, फतेहपुर में ज्वाइनिंग है मेरी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।